दोस्तों आप सभी का स्वागत है एबीसी कोचिंग यूट्यूब चैनल में। मैं हूं कविराज। और दोस्तों इस वीडियो में कक्षा 10वीं इंग्लिश का मस्ट इंपॉर्टेंट VBI सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक देख कर जाइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेंगे। दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूँ कि इस वीडियो में जो है लिटरेचर से जो है जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो VBI सब है उनको मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आप लोग ध्यानपूर्वक जो है मेरी बातों को सुनिएगा और इस वीडियो को आप लोग अंत तक बने रहना है, ठीक है। देखिए दोस्तों सबसे पहले आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे दिया गया रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड आंसर, यानी कह रहा है कि ये जो आपका जो पोएम्स की जो कुछ लाइनें दी गई है इसको आप लोगों को पढ़ते हुए जो है इससे पूछे गए जो प्रश्न है उनको जो है आप लोगों का आंसर देना है, आपको जवाब देना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखिए पहला यहाँ पे दिया गया है नेम द पोएम फ्रॉम वेयर दिस एक्सट्रैक्ट हैज़ बीन टेकन। तो इसका दोस्तों यहाँ पे ये कह रहा है कि यह जो पोएम की जो पंक्तियाँ हैं ना, तो ये किस पोएम से ली गई है। तो देखिए दोस्तों मैं बता दूँ कि यह जो है द ट्री पोएम से ली गई है, ठीक है। यह द ट्री पोएम से जो है ये पंक्तियाँ जो है ली गई है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो दिया गया है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि हु हैज रिटन दिस लाइन्स, यानी कह रहा है कि यह जो पंक्ति लिखी गई है, ये जो आप लोगों ने पंक्तियाँ देखी है कविता का, तो ये जो कविता का जो पंक्ति लिखी गई किसने लिखा है, इसका जो है राइटर कौन है, ठीक है। तो यहां पे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसका राइटर जो है एड्रिने रिच है, ठीक है। क्या है? एड्रिने रिच। इसको अच्छे से आप लोग याद कर लेंगे। साथ ही दोस्तों मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि जितने भी पॉइंट्स हैं जो कि सेकंड टर्म वाला में आने वाला है और फर्स्ट टर्म वाला भी है, तो उन सभी पॉइंट्स का जितने भी राइटर्स हैं, ठीक है, जितने भी राइटर्स हैं पॉइंट्स हैं उन सभी को जो है उनका जो नाम है उनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। साथ में दोस्तों जो आपका जो जो कहानी है, ठीक, स्टोरी है, उनका भी आप लोगों का राइटर का नाम आप लोगों को याद रख लेना है, क्योंकि राइटर का नाम 100% जो है आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। देखिए इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं यहां पर स्क्रीन पर। तो यहां पे दिया गया कि why do the roots works, तो यहाँ पे इसका पूछा गया दोस्तों कि यह जो है roots जो है work क्यों कर रहा है, तो क्यों करता है। तो देखिए आपको याद रखना है the roots works to free, ठीक है। उसके बाद लिख देना है, इसके बाद लिखना है themselves form द कैर्क इन द वरांडा फ्लोर, ठीक है। इस तरीके से आपको आंसर दे देना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया गया है रीड द गिवन पैसेज एंड आंसर। तो यहाँ पे देखिए छोटा सा एक पोएम पैसेज दिया गया है, गद्यांश छोटा सा दिया गया है, जिसको हम छोटा सा शॉर्ट गद्यांश आप कह सकते हैं कि ये जो गद्यांश दिया गया है इससे मिलता जुलता जो आपको आंसर का जो है आंसर लिखना है जो कि क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे दिया गया द रिवर कावेरी, ठीक है, ऑब्टेंड इट्स वाटर फ्रॉम द हिल्स, उसके बाद फॉरेस्ट ऑफ कॉर्क्स दिया है, ठीक है, इसके बाद महासीर दिया है, ए लार्ज फ्रेश वाटर फिश, ठीक है, उसके बाद यह अवॉइड्स इन दिस वाटर्स, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन इसका पूछा गया है कि फ्रॉम वाटर डज कावेरी ऑब्टेंट इट्स वाटर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, द रिवर्स कावेरी ऑब्टेंट इट्स वाटर फ्रॉम द हिल्स एंड फॉरेस्ट ऑफ कॉर्क। देखिए दोस्तों मैं आपको बता दूँ यहाँ पे आपको ये समझना है, देखिए ये इसको पैसेज निकालने के तरीका भी मैं आपको इसी वीडियो में बता देता हूँ। देखिए पैसेज में ये देखना है कि ये क्वेश्चन कहाँ से कह रहा है, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, तो उसी के अनुसार जो यहाँ पे देना है। जैसे कि यहाँ पे दिया ना कि वेयर डज कावेरी इज ऑब्टेंड इट्स वाटर, तो ठीक है, तो यहाँ पे जो है कहता है कि कावेरी जो है ये कहाँ से उसका जो पानी का सोर्स है, तो यहाँ पे देखिए दिया गया है द रिवर्स कावेरी ऑब्टेंड, यहाँ पे है ना कि नदी कावेरी जो है ये जो है कहाँ से है, हिल्स से है, और जो कि फॉरेस्ट एंड कॉर्क में है, तो ये वाला जो है आपका, देखिए ये वाला जो यहाँ पे दिया हुआ है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से आपको ढूंढ कर जो है पैसेज वाला आप लोग बना लीजिएगा, ये काफ़ी ईजिली है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे इसका दूसरा क्वेश्चन दिया गया कि स्टेट ट्रू, उसके बाद फ्लास, उसके बाद महासीर एंड स्मॉल फ्लेश, तो यहां पे हो जाएगा फ्लेश, ठीक है, क्योंकि यह जो है यह क्या है, गलत है, यह जो है कोई स्टेट नहीं है, ठीक है, ये क्या है, कोई स्टेट नहीं है, और यहाँ पे जो है ना यह एक छोटा फिश स्टेट नहीं है, तो आपको यहाँ पे क्या है फ्लैश हो जाएगा यहाँ, क्योंकि ये गलत है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया कि व्हाट डज अवॉइड मींस, तो अवॉइड मींस का होता है मतलब फाउंड्स, ठीक है, फाउंड्स मतलब क्या होता है आप लोगों को मालूम ही होगा, तो अवॉइड्स का अर्थ हो जाएगा, दूसरा अर्थ हो जाएगा फाउंड्स, जो कि हम यहाँ पे लिख दिए है फाउंड्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। दोस्तों यहाँ पे 14 नंबर ये कह रहा है कि मेंशन थ्री
थिंग्स दैट ह्यूमंस डू एंड एनिमल्स डोंट। तो यहाँ पे कहता है कि इसमें जो है तीन जो है आपको कारण बताना है, जिसमें कि आपको यह मेंशन बताना है कि ह्यूमन कर सकता है लेकिन एनिमल नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे देखिए इसका आंसर किस तरीके से लिखेंगे, द थ्री थिंग्स दैट ह्यूमंस डू एंड एनिमल डोंट आर, उसके बाद पहला लिखेंगे ह्यूमंस आर ग्रेडी, ठीक है, ह्यूमंस आर ग्रेडी, दे वॉन्ट टू प्रोसेस मोर एंड द मोर थिंग्स विल, एनिमल डू नॉट, इस प्रकार से पहला हो गया। दूसरा आपको लिख देना ह्यूमंस बेंड इन फ्रंट ऑफ अदर्स बट एनिमल्स डू नॉट, ठीक है, यानी कि ह्यूमन जो है कर सकता है, हर कुछ कर सकता है लेकिन एनिमल जो है सब कुछ नहीं कर सकता है। उसके बाद दोस्तों आपका तीसरा पॉइंट देखना है कि ह्यूमन्स क्राई ऑन देयर रॉन्ग्स डीड्स, यानी कि जो है गलत होने पर जो ह्यूमन रो सकता है, चिल्ला सकता है एंड जो है शांत हो सकता है, बट एनिमल्स नेवर डू दिस, यानी कि एनिमल जो है इस जो है इससे जो है कोई उसको फर्क नहीं पड़ता है। तो इस प्रकार से जो है आपको तीन पॉइंट्स में अंतर आपको बता देना है, जिस तरीके से है ह्यूमन बींग्स और एनिमल में पूछा गया, ठीक है। चलिए इसको अच्छे से आप लोग जो है रिवीजन कर लीजिएगा, 100% आने वाला है। देखिए दोस्तों उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है कि हु होल्ड यू एक्सेप्ट ग्रिफिन एज ए साइंटिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कहता है कि आप कैसे मान सकते हैं ग्रिफिन जो है एक साइंटिस्ट है। तो देखिए यहाँ पे इसको इस तरीके से देना है, ग्रिफिन वाज ए साइंटिस्ट बिकॉज ही बिकेम इनविजिबल ड्यू टू हिज इन्वेंशंस, बट ही वाज नॉट ए साइंटिस्ट इन द रियल सेंस एज ए मिसयूज्ड हिज इन्वेंशंस, ए ट्रू साइंटिस्ट यूज्ड हिज इन्वेंशंस फॉर द बेनिफिट्स ऑफ ह्यूमैनिटी। तो इस प्रकार से आपको आंसर ये वाला जो है ग्रिफिन वाला जो है बता देना है, ठीक है। चलिए इसको जो है आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा, इसको अच्छे से याद कर लेंगे। अगला दोस्तों देखिए दोस्तों यहाँ पे जो है 16 नंबर दिया गया है, जो कि आपको यहाँ पे दो सवाल दिए जाएंगे, जिसमें कि आपको प्रत्येक सवाल जो है ना 5 अंक का होगा, ठीक है। तो देखिए ये वाला जो आपका आंसर आपको किस तरीके से देना है, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया कि हॉर्स जेनेवी वाज ए, ठीक है, उसके बाद मैटिक प्लानर बट स्टिल ही फ्लैटर्ड, उसके बाद यह है वेयर डिड ही गो रॉन्ग एंड वे। तो इसका आंसर इस प्रकार देना है कि हॉर्स जेनेवी रॉबर्ट वाज ए सैप एवरी ईयर्स विच वाज अनाउंस, ठीक है, अनाउंस टू द लास्ट ऑफ फॉर 12 मंथ्स ही प्लान्ड हिज रॉबरी वेरी, ठीक है। उसके बाद दिखा है मेंसुअली फॉर 2 weeks ही हैड बीन स्टडिंग द कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस ऑफ द हाउस आर्ट सुटोबर ग्रैंग, इन द मैगजीन ही हैड रीड द सिचुएशन ऑफ रूम्स इलेक्ट्रिक्स वायर्स पैथ्स एंड इट ग्रेट्स, ही हैड स्टडीज द डेडलाइन, यहाँ पे डेडलाइन होगा दोस्तों, यहाँ पे आप थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा क्या होता है जूम हो जाता है अचानक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डिटाइल्ड हो जाएगा। देखिए डिटाइल्ड प्लान of the drawing room, he had seen the housekeeper's hang the key, he had even learnt the name of the dog, the only major mistake had been that he had not even once met the owner of the house, he did not know, yani ki wo jo hai na wo nahi janta tha ki that he landlady was quite an old lady of 60, ठीक है। उसके बाद दिखना है इफ ही हैड नाउ द लेडी ऑफ द हाउस दैट द लेडी इन रेड कुड नॉट हैव ट्रिकेड हिम, उसके बाद लिखना है कि द अदर मिस्टेक्स वाज दैट ही हैड नॉट कट द टेलीफोन वायर्स, ही आल्सो ओपन द सेफ विदाउट ग्लोव्स, ठीक है, ग्लोव्स दिया है यहाँ पे विदाउट ग्लोव्स, विच लेफ्ट हिज फिंगर प्रिंट ऑल ओवर, ही वॉज इजिली फाउंड एंड अरेस्टेड फॉर द ज्वेल्स रॉबरी, ठीक है। यानी कि लास्ट में क्या होता कि जब वो ज्वेल्स की रॉबरी कर रहा था, डकैती कर रही थी, तो तभी जो है ये पकड़ा गया था, तो हॉर्स जेनेवी, तो इसके बारे में आपको इस तरीके से लिख देना है। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि हु डिड वॉलिज टीचर्स प्ले इन एन इम्पॉर्टेंट रोल इन चेंजिंग द कोर्स ऑफ हर लाइफ, यानी कि यहाँ पे कहता है क्या कि भोली का जो टीचर है, भोली का टीचर है वो किस तरीके उसके व्यवहार को बदलाव लाता है, किस तरीके से उसके जो है उसमें जो है चेंजिंग लाता है। तो देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है इसका आंसर मैं आपको इस प्रकार दूंगा, देखिए द टीचर वॉज काइंड एंड सैम्पैथिक टू भोली, सी इंस्पायर्ड कॉन्फिडेंस इन हर, सी गेव
डायरेक्शन टू द कोर्स ऑफ हर लाइफ सी मेड हर स्पीक फैंटली, ठीक है, फैंटली ही वॉज बिकॉज ही इट वॉज बिकॉज ऑफ हर टीचर दैट वोली हैड ए कॉज टू रिफ्यूज टू मैरी बिसम्बर्स, ठीक है, बिसम्बर बिकॉज ही वॉज सैमलेजरी ऑन ग्रेडी, यानी क्या तो बहुत ज़्यादा गमीर जो है अमीर होने के बावजूद है उसमें घमंड था बिसम्बर में। तो इसलिए दोस्तों वहाँ पे क्या है कि भोली के जो टीचर है यहाँ पे जो है उसके लाइफ को चेंज करने में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको इस आंसर दे देना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया कि इज ब्रेड एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ गोइन लाइफ हाउ डू यू नो दिस। तो दोस्तों यहाँ पे ये कह रहा है कि इंपॉर्टेंट लाइफ गोइन लाइफ में जो है ये एक ब्रेड जो है, ठीक, एक ब्रेड जो है ये गोइन लाइफ के लिए एक इंपॉर्टेंट पार्ट क्यों होता है। उसके बाद तो हाउ डू यू नो दिस, कहता कि आप इसे कैसे जानते हैं, आप इसे कैसे कह सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं। तो देखिए इसको ऐसे लिख देना है कि यस, हाँ, ब्रेड इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ गोइन लाइफ, नो पार्टी नो फास्ट एंड पॉसिबल विदाउट ब्रेड, मैरिज गिफ्ट आर द मैनिंगल्स, ठीक है, मैंगल्स, विदाउट स्वीट्स ब्रेड नो एज बोल। उसके बाद सैंडविच आर prepared of the oceans of a daughter's engagement, cake are a must for the Christmas and other festival, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको आंसर लिख देना है। अगला देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया जो काफी इंपॉर्टेंट है, how did वैली सेव अप मनी फॉर हर फर्स्ट ज्वेलरी। उसके बाद लिखा है यहाँ पे, ठीक है, ज्वेलरी, उसके बाद लिखा है वॉज इट इजी फॉर हर। तो इसका आंसर देना है वैली सेव इच पैसा द हीज सी कुल्ड, इट वॉज नॉट ईजी फॉर हर, ठीक है। उसके बाद लिखना है सी हैड टू स्टेफली मैनी ऑफ हर डिजायर एंड टेम्पलेशन। तो इस तरीके से जो है आपको आंसर लिख देना है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने जितने भी क्वेश्चन बताए हैं उन सभी को आप लोगों को अच्छे से रिवीजन कर लेना, अच्छे से जो है आप लोगों को तैयारी कर लेनी है, और इससे जो है 2 से 3 क्वेश्चन जो आपका 100% इस वीडियो से क्वेश्चन 100% दिए जाएंगे, ठीक है। तो मैं ये जो है आप लोगों को कह रहा हूँ और आप लोगों से विनती भी करता हूँ दोस्तों कि आप लोगों को हर हाल में जो है अच्छी तरह से जो है अंग्रेजी का जो है तैयारी कर लेना है, ठीक है, क्योंकि इससे जो है आपका जो है नंबर काफ़ी ज़्यादा बूस्ट हो सकता है। क्योंकि दोस्तों आपका क्या होता है कि पहले मैथ और साइंस, उसके बाद जो इंग्लिश है, इस तीनों में अगर आपका बूस्ट नंबर आ गया ना तो सबको आप लोग जो है पीछे छोड़ सकते हैं, ठीक है। इसलिए दोस्तों अंग्रेजी को आप लोग जो है अच्छे से तैयारी कर लेंगे, और साथ ही दोस्तों इसका ग्रामर में कौन कौन से पूछे जाते हैं और आपका जो पैराग्राफ होते हैं, ठीक है, जैसे कि निबंध लेखन होता है ये भी मैं आपको बता दूंगा, पत्र लेखन भी बता दूंगा, जब एप्लीकेशन है, लेटर है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे भी इसी प्रकार से वीडियो आप लोगों को मिल सके।